और हमारा पहली बार इधर आना हो रहा है तो हमें आइडिया भी नहीं है। सो अब देखिए कहाँ हम फंस गए हैं। मत जाना उधर, जगह ही नहीं है, कहाँ जाओगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम देवघर के मंदिर का दर्शन करके निकल रहे हैं बैरमपुर के लिए। आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा। अब यहाँ से बैरमपुर का डिस्टेंस लगभग 212 किलोमीटर है। सो देखते हैं हम कब पहुँचते हैं। अभी बज रहा है 11:40। इनको देख के लगेगा ही नहीं कि 2 घंटा सो के इतना लंबा ड्राइव कर रहे हैं। मुझे तो सिर्फ नींद आ रही है। ये भी अभी तक खुला नहीं है। यहाँ से 2 रास्ता है। लेफ्ट वाला कोटा भागलपुर निकल जाता है और जिससे हम जा रहे हैं वो वेस्ट बंगाल तरफ निकल जाता है। सो हम गूगल मैप ही फॉलो कर रहे हैं एंड रास्ता अभी तक बहुत अच्छा है। अगर आप इस रास्ते से ट्रैवल कर रहे हो तो ऑन दी वे बासुकी नाथ यहाँ से 32 किलोमीटर है, वहाँ पे भी दर्शन ज़रूर करें। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आप देवघर में बाबा धाम के मंदिर पे दर्शन कर रहे हो और जो मन्नत मांगते हो वो तभी पूरा होता है जब आप बासुकी नाथ के मंदिर में भी दर्शन करोगे। मैंने जब भी बाई रोड झारखंड में ट्रैवल किया है सीनिक ब्यूटी हमेशा बहुत प्यारा मिलता है। आप अभी भी देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत अच्छा लगता है। और ये है नेशनल हाईवे 114A। ये सब सिंगल लेन रास्ता होता है एंड आप बहुत तेज गाड़ी नहीं चला सकते हो। आपका एवरेज स्पीड अराउंड 60 ही होगा, उससे ज़्यादा आप नहीं तेज चला पाओगे। सो आपको पूरा टाइम लेके निकलना होगा जब भी आप इस रास्ते से लॉन्ग ट्रिप के लिए निकले। सो हम भी अभी जा रहे हैं बासुकीनाथ मंदिर का दर्शन कर लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे बैरमपुर के लिए। और ऑन द वे है, बिल्कुल आपको कहीं डाइवर्ट नहीं होना है। इन 500 मीटर्स शार्प राइट। अभी तक हमने सिंपली गूगल मैप ही फॉलो किया है, कहीं पे भी अपना अलग से रास्ता नहीं लिया है। जैसे गूगल मैप ने बताया हम वैसे ही ट्रैवल कर रहे हैं। 200 meters, turn right onto Basukinath Mandir Road. अभी हम जा रहे हैं बासुकीनाथ मंदिर। गाड़ी पीछे पार्क कर दिया है हमने क्योंकि मंदिर के पास पार्किंग नहीं होता है जनरली। और यहाँ से बस हम पहुँच जाएंगे, अप्रॉक्स 150-200 मीटर होगा। बहुत तेज धूप है। और तुम तो दूसरी बार आ रहे हो। यहाँ से हम मंदिर के अंदर एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती का मंदिर एक दूसरे के आमने सामने है और ऐसा माना जाता है कि जब गेट सुबह सुबह खुलता है तो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए उस समय जो भी दर्शन करने आते हैं उनको उस गेट के सामने खड़े नहीं रहने दिया जाता है। और ये आपको बहुत जगह लिखा हुआ भी मिल जाएगा एंड आप बहुत लोगों से सुनोगे कि अगर आप देवघर जाते हो दर्शन करने तो यहाँ ज़रूर आना चाहिए, अदरवाइज वहाँ का दर्शन इनकम्प्लीट रह जाता है। दर्शन करके बासुकीनाथ से अभी हम निकल रहे हैं। यहाँ से है 170 किलोमीटर। अभी बज रहा 1:15। अब कहीं खाने के लिए नहीं रुकेंगे तो मुझे लगता है कि 4 घंटे में आराम से पहुँच जाएंगे, है ना। रास्ता अभी तक बहुत अच्छा है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ हमें और हम लोग पूरा मस्ती करते हुए जा रहे हैं। मैं तो पूरा सोते हुए जा रही हूँ, मस्ती इन्हीं को आ रहा है ड्राइविंग में। नहीं, मंदिर में रुके ना 2 जगह। हाँ, तो ऑलमोस्ट इतना सारा हॉल्ट लेने के बाद भी हम लोग टाइम पे ही है। क्योंकि झारखंड में एक चीज अच्छा है कि आप डे टाइम में भी ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलता है। यस, और झारखंड इज द प्लेस टू ट्रैवल इन डे टाइम ओनली। हाँ, रात में कहाँ से कौन सा जानवर रोड पे जंप करेगा ना। जंगली एरिया आप देख सकते हैं दूर दूर तक, लेफ्ट और राइट आपको सिर्फ जंगल, झाड़ी, पेड़ पौधा यही सब मिलेगा। यहाँ पे जो भी नदी होता है मोस्टली ऐसे सूखा हुआ ही मिलता है हमें, क्योंकि सब पहाड़ी नदी होता है। सो नज़ारा अच्छा है, धूप है लेकिन गाड़ी के अंदर अच्छा लग रहा है। हमने खीरा लिया था, अभी खीरा खाए हैं। एक्चुअली गाड़ी में ये भी लगा है ना, यूवी प्रोटेक्टेड जो होता है ना, फिल्म जरूरी है वो चीज। लाइक बाहर का टेम्परेचर इज लाइक 34।
अभी भी हम हैं नेशनल हाईवे 114A और यहाँ से है 154 किलोमीटर टू आवर डेस्टिनेशन। यहाँ से रामपुर हाट है 67 किलोमीटर। क्योंकि देवघर के आगे हम पहली बार आ रहे हैं, ये रोड हमारा पहले गया हुआ नहीं है, सो वी आर फॉलोइंग गूगल मैप एंड गूगल मैप यहाँ से हमें लेफ़्ट लेने को बोल रहा है। आप देख सकते हैं ये हाईवे छोड़ के हमें लेफ़्ट साइड लेने को बोल रहा है, सो हमें थोड़ा डाउट है लेकिन चलते हैं एज़ पर गूगल मैप। सो यहाँ पे दो रास्ते, आप सीधा वाला रास्ता भी ले सकते हो एंड लेफ़्ट साइड वाला भी ले सकते हो। अभी हम गूगल मैप को फॉलो करते हुए लेफ़्ट साइड वाला रास्ता ले रहे हैं और आपको बताते हैं कि ये रास्ता कैसा है। ये भी सिंगल लेन रोड ही है, बट रोड यहाँ पे भी ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये रास्ता जाता है पाकुड़ फरक्का, तो पाकुड़ यहाँ से है 83 किलोमीटर। इस रोड को बोलते हैं दुमका साहेबगंज रोड और यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन है 126 किलोमीटर। रास्ता तो अभी बहुत अच्छा है, मतलब अभी तक का जर्नी हमारा बहुत अच्छा रहा, रास्ते को लेकर ऐसा कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि ऑफ कोर्स अभी झारखंड में फोर लेन रास्ता तो बना नहीं है, सिंगल लेन है, बट रोड कंडीशन बहुत अच्छा है और आपको नज़ारा बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ से दुर्गापुर है 29 किलोमीटर, बट हमें इन नहीं करना है, हम बाहर बाहर ही निकल जाएंगे। अभी बज गया है 2 और यहाँ से 126 किलोमीटर है, मैक्स टू मैक्स 5 बजे तक हमें लगता है कि हम पहुँच जाएंगे। इस रास्ते में रोड तो आपको सही सही मिल जाता है लेकिन खाने पीने का कुछ नहीं मिलता, ना ढाबा ना रेस्टोरेंट, कुछ भी नहीं। सो आप खाने पीने का एक्स्ट्रा सामान अपने साथ लेकर चले, क्योंकि गाड़ी में कब कहाँ हम रुके, कितना डिले हो जाए ये हमें पता नहीं होता। सो अगर खाने पीने का एक्स्ट्रा सामान होगा तो आपको टेंशन नहीं होगा कोई चीज़ का। यह है अम्रपारा महेशपुर रोड, यहाँ से 87 किलोमीटर और दूर है और 2:50 हो रहा है एज़ पर गूगल मैप। अप्रॉक्स 2.5 आवर्स में हम पहुँच जाएंगे। अभी हम पहुंच गए हैं दुलंदी गांव, जो एक विलेज है वेस्ट बंगाल में, सो वी हैव एंटर्ड वेस्ट बंगाल। गूगल के अकॉर्डिंग हम यहां पहुंच गए हैं, ये शॉर्टकट रास्ता था लेकिन रास्ता आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ा सा दूर इस तरह का है। अब जाके हम मेन रोड में मिलेंगे तो वहां से रास्ता सही हो जाएगा। टर्न राइट। सो रात में आप इस चीज़ का ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ गूगल पे भरोसा ना करें, ऐसा रोड चूज़ करें जहाँ पे बसेस और ट्रक्स चलती है। हमारा अभी तो डे का ट्रैवलिंग था तो उतना कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुआ, ये तो बस कितना 500 मीटर या कुछ ऐसा रास्ता होगा, 1 किलोमीटर। सो इट्स ओके, इट्स नॉट ओके, गूगल इज सेइंग टेक द नेक्स्ट राइट। You can see there is no right turn here. Actually, मुझे बहुत डर लगता है और ये और वो करो गिराएंगे तब ना बोलोगी निकाल दिया ना। In 500 meters, turn right onto National Highway 12. 500 मीटर और इसी 500 मीटर और मतलब हाँ वही 1 किलोमीटर हमारा ये रास्ता था जो रात के समय बहुत रिस्की हो सकता था, अगर मैं घुस भी नहीं करता इसमें। हाँ, इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। बैक में बट ये था कि ये 6-7 किलोमीटर बचाने के लिए 1 किलोमीटर चलना पड़ा। गूगल में कोई ऐसा सेटिंग रहे ना कि जिसे रूट चेंज नहीं करे और हमेशा मेन रूट दिख रहा है, ज्यादा बेटर है। अब पता नहीं, कई बार फील होता है कि लगता है गूगल को पेट्रोल का खर्चा देना पड़ता है कि इतना शॉर्टकट रूट दिखाता है। टर्न राइट ऑन टू नेशनल हाईवे 12 है ना परू, जहाँ से हमने लेफ्ट लिया था अगर वहाँ से हम स्ट्रेट आते तो ये रास्ता होता और ये बहुत अच्छा रास्ता था कंपैरेटिवली हम जिस रास्ते से आए और जो 1 किलोमीटर रास्ता हमें चलना पड़ा। सो आप अगर यहाँ से बैरमपुर या ये रास्ते को पकड़ रहे हो तो आप स्ट्रेट ही जाए और लेफ्ट ना ले।
कंटिन्यू ऑन नेशनल हाईवे 12 फॉर 48 किलोमीटर। यहाँ से 50 किलोमीटर है हमारा डेस्टिनेशन और इसी हाईवे पे हमें चलना है अप्रॉक्स 48 किलोमीटर। सो अब यहाँ से रास्ता डेफिनेटली अच्छा होगा, बस वो डाइवर्सन हमें नहीं लेना चाहिए था। हेलो गाइस, अभी बज गया है शाम का 4:30 और हम गाड़ी में ही खा लिए थे पूरी सब्जी जो मैं घर से बना के लेके आई थी, क्योंकि ऑन द वे ऐसा कोई खाने पीने का ऑप्शंस नहीं था जैसा हमने पहले ही एक्सपेक्ट किया था। सो अभी बस चाय पीने के लिए रुके हैं, हम बंगाल में हैं, टी स्टॉल में रुके हैं चाय पीने, ये गए हैं चाय लेने। तो मौसम धूप है ना तो अजीब सा हो रहा था, चाय पी के रिफ्रेश फील होगा। सो हमारा यहाँ से 48 मिनट गूगल दिखा रहा है अप्रॉक्स 30 किलोमीटर। सो मुझे लगता है हाफ एन आवर में बहुत आराम से 5 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। मम्मी वहीं पे, मम्मी से मिलेंगे और आपको मैं बता दूं मैं जा रही हूँ अपने मौसा जी के यहाँ। अनफॉर्चुनेटली मौसा जी का डिमाइस हो गया है आज, कल उनका 13वां है, सो इसीलिए मैं जा रही हूँ। आई होप कि यहाँ का चाय अच्छा हो, सुबह चाय पिया था उसके बाद फिर चाय पिया नहीं, जनरली घर पे पीते भी नहीं है हम लोग, ट्रैवलिंग में थोड़ा नीड होता है। सो अभी पी रहे हैं। अभी मैप जो लगा हुआ है वो घर का लोकेशन है जहाँ मुझे जाना है, एंड वो जगह है 17 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस। सो रास्ता काफ़ी अच्छा है, बस हमने एक गलत टर्न ले लिया था। सो आगे है टोल, ये होगा हमारा लास्ट टोल फ्रॉम पटना टू बैरमपुर। अब हम बस पहुँच ही जाएंगे 15-20 मिनट्स में हमारे डेस्टिनेशन पे। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं, ये है हुगली नदी। यहाँ से अप्रॉक्स 4.5 किलोमीटर और हमें आगे जाना है और हम पहुंच जाएंगे हमारे डेस्टिनेशन पे। रास्ते में हम थोड़ी देर रुक गए थे, सो 5:30 बजे हम पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन पे। यहाँ से बस 230 मीटर है, बगल में रेलवे ट्रैक है, उस तरफ पूरा हुगली नदी है इस बिल्डिंग के सारे उधर। मैं आपको दिखाते हैं, बस यहाँ हमें जाना है। सो कैसा रहा जर्नी? अच्छा था, अनएक्सपेक्टेड रास्ता अच्छा। बीच में होगा 25-30 किलोमीटर खराब, बट 500 में अगर 50 किलोमीटर भी खराब है तो ठीक है। ओके गाइस, तो फिर कल रिटर्न होते हैं तो फिर आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि हमारा रिटर्निंग जर्नी कैसा रहता है। मेरे मोबाइल का भी बैटरी अभी हो गया 10%, सो अब जाके इसे चार्ज में लगाएंगे, फ्रेश अप होंगे और आज रेस्ट करेंगे। चलिए, आप भी अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।